हेलो एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग एवरीवन। आज एक और टेंपल दर्शन करने की बारी है। हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको पहुंचकर ही पता चलेगा। तो अभी हम रेडी हैं और घर से निकल रहे हैं, तो चलिए आपको रास्ते का व्यू दिखाते हुए टेंपल तक लेके चलती हूँ। और सेम प्रीवियस व्लॉग्स की तरह कुछ उस टेंपल के बारे में बताऊँगी, कुछ वहाँ की लोकल ब्यूटी के बारे में बताऊँगी। और इस टाइम पर हम हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन में, तो चलिए चलते हैं और टेम्पल के दर्शन शुरू करते हैं। अच्छा बता दो हम कौन से मंदिर जा रहे हैं। किसी का पता? अच्छा नाम नहीं पता, नाम नहीं पता। कितना झूठ बोलती है। मंगला माता। तो हम मंगला माता के मंदिर जा रहे हैं। इससे पहले मैं जा चुकी हूँ, बट अभी फिर से जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी था। तो घर से अभी निकले हैं, आई थिंक 15 मिनट्स का यहाँ से वॉक है एंड फिर हम पहुँच जाएंगे। ये गांव के बीच से होता हुआ रास्ता है, पक्का रास्ता है, पतला रास्ता। और एक बात आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस टाइम पे। ये जो आप दोनों तरफ देख रहे हो ये मक्की की फसल है जो कि अभी तैयार नहीं हुई है। अभी तो इसमें मुझे मक्की दिख भी नहीं रही है, बट है बड़ा सुंदर। यार गाइस, यहाँ पर ना एक बहुत ही सुंदर चिड़िया आवाज़ निकाल रही है। आई थिंक आपको मेरे बैकग्राउंड में सुन रही होगी। मैं चुप हो जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ मुझे कहाँ से आवाज़ आ रही है। आप लोग सुन रहे हो कितनी सुंदर आवाज़ निकाल रही है ये, पर मुझे चिड़िया नज़र में नहीं आ रही है। चोर पकड़ा गया है अनार की चोरी करते हुए। माँ भी अनार की चोरी कर रही है। यार रास्ते में खाने के काम आएगा ये वाला, ले या थोड़ा बड़ा ले। कच्चा है ये, अंदर से भी कच्चा होगा। ऐसे करते इससे पहले कि उस घर से कोई देखे ना, लेके चलते हैं। अब भाग मिल का भाग बनते हैं, चलो। तो लो पहले ये छोटा सा शिव मंदिर देख लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पानी पानी हो गई नीचे। एक और मूर्ति जो यहाँ पर स्थापित है साथ ही में, वो है श्री हनुमान जी की, बजरंग बली जी की। लो तो जो मंदिर हम अभी गए थे वो ये वाला था, और जहाँ अभी जाने वाले हैं वो ये वाला है। आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये देखो पेड़ों के बीच में। तो अभी चलते हैं फिर दिखाती हूँ आपको ढंग से। महारानी चलो शुक्र है। यार वैसे घंटी नहीं बजती। घंटी बज जाएगी, दे दे तू बजा घंटी, मुझे उठना पड़ेगा। ये घंटी बजाने की नाकामयाब कोशिश जो कि शायद कामयाब भी हो सकती है। चलो, वाह। मंदिर पहुंचने से पहले ही थक कर दोनों यहाँ पे बैठ गई है।
क्योंकि हमसे नहीं चला जाना। नाइस। अभी हम यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ ये किस चीज़ के फोटोज ले रही है। एक मिनट, ये देखो कितने सुंदर लग रहा है इस टाइम पे, ये पेड़ पूरा हरा भरा है, तो इसी चीज़ का फोटो शूट हो रहा है। अभी थोड़ी हिम्मत करके ऊपर तक चले जाते हैं और ये वाला मंदिर भी कवर करके फिर घर के लिए निकलते हैं। स्ट्रगल करते करते पहुंच चुके हैं ऊपर तक और बस ये रहा मंदिर। कहाँ गया यार, अभी दिखाती हूँ ऊपर जाके। मेरे सामने ही है, तो चलो। यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि पानी भी अवेलेबल है, थोड़ा दूर है मंदिर से, बिल्कुल ठीक जगह पे। तो जी मंगला माता की मूर्ति यहाँ पर है और यहाँ पर स्थापित है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज। आई होप कि आपको ये ब्लॉग भी मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स की तरह अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये जो टेम्पल आपने अभी देखा है ये मंगला माता का टेम्पल है और इससे पहले जहाँ हम गए थे वो शिव जी और हनुमान जी का टेम्पल था। तो यहाँ पर अभी कोई पुजारी जी और कोई पंडित जी कोई भी नहीं थे, अदरवाइज मैं खुद से इस मंदिर की हिस्ट्री आपको जरूर बताती जैसे मैंने इससे पहले भी बताई है कुछ मंदिरों की। तो इस मंदिर के बारे में मुझे भी कुछ खास पता नहीं है क्योंकि मैं भी इस जगह पे नई हूँ, तो जितना मुझे हो सकता था वो मैंने दिखाने की कोशिश की। अगर मुझे कुछ और पता चलता है तो वो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगी। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और बने रहना है मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इट्स टाइम टू गो बैक होम। गुड बाय।